मैं राजुद्दीन हूँ अमर उजाला अखबार से। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपका नाम क्या है? नाहर। नाहर। पिताजी का नाम? बशीर अहमद। गाँव? खेड़ली खुर्द। तो आप 10वीं में कितने अंक आपने प्राप्त किए? लगभग 385 करीब। लगभग या 385? 385। तो अब आपका आगे का सपना क्या है? कुछ नहीं, मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ। पढ़ाई करना चाहते? कहाँ पढ़ना चाहते हो? जिस स्कूल से भी मैंने मेरिट प्राप्त किया। कहाँ से मेरिट? मांडीखेड़ा। ये तो 10वीं का स्कूल था, ये कुछ दिन पहले अपग्रेड हुआ। अच्छा, अब 12वीं हो गया। हाँ। तो आपने धरना देखा, वहाँ धरना चला? हाँ, देखा। और किसने दिया था धरना? राजुद्दीन ने। अच्छा अच्छा। और हमारे सर थे सब। अच्छा अच्छा। तो किस तरह की दिक्कतें आई यहाँ तक पहुँचने में आपको? इस बात के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। क्या पता? तो आपके पिता तो क्या करते हैं वैसे? किसान है। किसान है, मैंने देखा भी मजदूरी कर रहे थे। हाँ, किसानी में आती है। हाँ, तो और कुछ कहना है आपको मेवात वासियों से, प्रदेश वासियों से? क्योंकि आपका ये वीडियो हम YouTube पे डालेंगे, क्या आपकी कुछ मदद हो जाए, कुछ आपका जो इच्छा है दिल में पढ़ने की, आगे बढ़ने की, वो पूरी हो जाए? किस तरह की मदद चाहते हो? क्या कोई संदेश देना चाहते हो? क्या आपने दिव्यांग होते हुए, दोनों हाथ नहीं है आपके, मैंने देखा आप पैर से, सीधे पैर से आप लिखाई कर रहे थे, और जो आपका उल्टा पैर है बायां, उसमें भी उंगलियां नहीं है चार, तो ये बड़ी दिक्कत है आपके साथ। ये एक्सीडेंट वैसे कैसे हुआ, क्या हुआ? लाइट ने पकड़ा था। तो ये लाइट के कारण ये दोनों हाथ चले गए, और ये पैर की उंगलियां और एक साइड का कान, ये लाइट के शौक से सारा हो गया। तो आप क्या संदेश देना चाहते हो मेवात की आवाम के लिए, लोगों के लिए, युवाओं के लिए? अरे मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है संदेश देने के लिए। अच्छा, पढ़ाई आप जारी रखना चाहते हो? हाँ, बैठे होते नहीं? अच्छा, पढ़ाई पूरी करने का एक सपना है। अभी कुछ सोचा नहीं है, कोई नौकरी इस तरह का अभी कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद नाहर जी।